हे पॉकी फैंस एंड वेलकम बैक। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंटो की बेस्ट टीम के बारे में कि कैंटो की बेस्ट टीम कौन सी हो सकती है या वे कौन से पोकेमोन हैं जो कैंटो की बेस्ट टीम में आ जाएंगे। तो गाइस आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कैंटो में बहुत सारे पोकेमोन हैं जिनमें कॉमन रेयर एपिक सूडो सिम सूडो व लेजेंडरी पोकेमोन आते हैं। वैसे गाइस ये टीम पोकेमोन फायर रेड लीफ ग्रीन और एस ग्रे में सभी जिम्स को इजीली जिता देगी। और गाइस हमने इसमें किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि गाइस वो किसी भी बैटल को इजीली जिता सकता है। और गाइस हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि जिम लीडर्स की ट्वाइपिंग क्या है या वो अपने पास कौन से पोकेमोन को रखते हैं और उस पोकेमोन की ट्वाइप क्या है। तो गाइस चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पोकेमोन आता है नंबर 6 पर वो है अपना पिकाचू। और गाइस आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पिकाचू अपने एस के पास भी था और ये काफ़ी क्यूट पोकेमोन भी है और इसकी ट्वाइपिंग है इलेक्ट्रिक। और गाइस इलेक्ट्रिक ट्वाइप काफ़ी पावरफुल होती है क्योंकि वाटर ट्वाइप पर भी हावी होती है और फ्लाइंग ट्वाइप पर भी। तो गाइस जो हमारे फर्स्ट जिम है वो है ब्रोक की और वो है रोक ट्वाइप। लेकिन गाइस पिकाचू इसमें कोई काम नहीं करने का, वो तो अपने स्टार्टर्स करेंगे। लेकिन गाइस जो अपना पिकाचू इसमें अपने पिकाचू का रोल है वो है मिट्टी के साथ कि वो मिट्टी को इजीली बीट कर सकता है क्योंकि गाइस जो पिकाचू है उसकी ट्वाइप इलेक्ट्रिक और मिट्टी के पोकेमोन की ट्वाइप वाटर है। तो इस वजह से पिकाचू इजीली मिट्टी को हरा सकता है। तो गाइस जो पोकेमोन आता है नंबर 5 पर वो आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा क्योंकि गाइस वो डिज़ाइन में अच्छा नहीं है। लेकिन गाइस इसकी ट्वाइपिंग काफ़ी अच्छी है क्योंकि गाइस ये है ग्राउंड और रॉक ट्वाइप। और गाइस ग्राउंड और रॉक ट्वाइप होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक ट्वाइप पर इफेक्टिव है। और गाइस हमारा जो नेक्स्ट जिम है वो एल्टिसर की जो कि इलेक्ट्रिक ट्वाइप जिम लीडर है। तो गाइस जो डूड इजीली हरा सकता है एल्टिसर के पोकेमोन को और गाइस हम इजीली जीत सकते हैं। और गाइस इसका नेक्स्ट एवोल्यूशन है ग्राउलर और गाइस इसका फाइनल एवोल्यूशन है गोलम। तो गाइस गोलम एक ग्राउंड और रॉक ट्वाइप का पोकेमोन है जो कि फायर ट्वाइप के खिलाफ भी इफेक्टिव होता है। और गाइस जो हमारी 7th जिम है वो भी फायर ट्वाइप है। तो गाइस इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जियोडूड को नंबर 5 पर रखा है। तो गाइस जो पोकेमोन आता है नंबर 4 पर वो है ग्रोलेथ। और गाइस ये एक फायर ट्वाइप पोकेमोन है जिसका नेक्स्ट एवोल्यूशन है आरके9। और गाइस आरके9 काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है। तुम ग्रोलेथ को पैट पोकेमोन भी कह सकते हो। लेकिन गाइस ग्रोलेथ की फायर ट्वाइप होने की वजह से ग्रास आइस बग और स्टील ट्वाइप पर इफेक्टिव रहता है। और गाइस इसी के साथ अपना ग्रोलेथ ग्रास ट्वाइप पर इफेक्टिव होने की वजह से ये एरिका की जिम में भी हमें इजीली भी नहीं करा सकता है। और गाइस बाकी सभी बग ट्वाइप पोकेमोन जो होते हैं उनसे बग कैचर्स फाइट करते हैं ये हमें उनमें भी इजीली भी नहीं करा सकता है। और गाइस आइस ट्वाइप पर भी इफेक्टिव होता है। तो गाइस अब हमें आर्टिकिनो पकड़ने में काफ़ी आसानी होने वाली है पोकेमोन फायर रेड में। तो गाइस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने ग्रोलेथ को रखा है नंबर 4 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ। तो गाइस जो पोकेमोन आता है नंबर 3 पर वो तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा मैं कह सकता हूँ। लेकिन गाइस उसका जो लास्ट का एवोल्यूशन है या सेकंड का एवोल्यूशन वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइस अब ये है अपना मैचोप। और गाइस मैचोप की ट्वाइप है फाइटिंग। और गाइस फाइटिंग ट्वाइप होने की वजह से ही ये नॉर्मल और रॉक ट्वाइप पर इफेक्टिव रहता है। और गाइस जो इसका एवोल्यूशन है वो है मैचोप। और गाइस जो इसका लास्ट एवोल्यूशन है वो है मैचैम्प। और गाइस मैचैम्प काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है। और गाइस हमने इसे पोकेमोन के एनिमे में भी काफ़ी बार देखा है। और गाइस ये काफ़ी देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बॉडी बिल्डर ट्वाइप का लगता है। और गाइस मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। और गाइस हमने पोकेमोन फायर रेड में जियोवानी को तो देखा ही है। उसके पास कंगस खान और रेडोन जैसे पोकेमोन रहते हैं। जैसे बहुत से पोकेमोन हैं उसके पास जो रॉक ट्वाइप और नॉर्मल ट्वाइप है। जैसे कंगस खान जो कि नॉर्मल ट्वाइप पोकेमोन है और रेडोन जो कि मुझे लगता है वो शायद ग्राउंड और रॉक ट्वाइप का पोकेमोन है। और गाइस इसी वजह से ये उन पर इफेक्ट रहता है। और गाइस इसकी एक बात ये भी है कि जो स्नोरलैक्स रास्ते में हमें मिलता है उसे वेकअप कराना पड़ता है। तो गाइस उसे पकड़ने में भी ये काफ़ी मदद करता है। तो गाइस इसी वजह से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने मैच ऑफ को रखा है नंबर 3 पर। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोकेमोन की तरफ। तो गाइस जो पोकेमोन आता है नंबर 2 पर वो तो आप सभी लोगों को अच्छा लगता ही होगा। और गाइस अगर अच्छा नहीं लगता तो फेवरेट होगा क्योंकि गाइस
वो है ही ऐसा पोकेमोन गाइस, ये है गैराडोस। और गाइस गैराडोस तो सभी को अच्छा लगता होगा क्योंकि गाइस गैराडोस की टाइप है वाटर फ्लाई, और गाइस ये फायर टाइप मूव भी सीख लेता है, और गाइस आइस टाइप मूव भी सीख लेता है, और गाइस काफ़ी सारे फ्लाई टाइप मूव भी सीख लेता है। और गाइस इसी वजह से ये काफ़ी सारी जिम्स में भी हमारी मदद करता है, जैसे गाइस सेवन जिम जो कि फायर टाइप की जिम है, और गाइस ये काफ़ी और बैटल्स में भी मदद कर देता है, और हमें काफ़ी सारे पोकेमोन जैसे मोल्ट्रेस पकड़ने में हमारी मदद करता है, और गाइस ये आगे चलकर जैसे म्यूटू और काफ़ी ताकतवर पोकेमोन पकड़ने में भी मदद करता है, और गाइस जिलाइट फोर में जीतने से भी, और गाइस जैसे कि तुम लोग जानते होगे कि गैरी से भी बैटल करने में मदद करवाता है। और यार तुम्हें मैं क्या बताऊँ, ये काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, और इसी वजह से यार मैंने इसे नंबर टू पर रखा है। और गाइस नंबर वन पर जाने से पहले हम उन सभी पोकेमोन पर नज़र डाल लेते हैं जो आए हैं हमारी इस लिस्ट में। तो गाइस जो पोकेमोन था नंबर सिक्स पर वो था पिकाचू, और गाइस जो पोकेमोन था नंबर फाइव पर वो था जियोडूड, और गाइस जो पोकेमोन था नंबर फोर पर वो था ग्रोलेथ, और गाइस जो पोकेमोन था नंबर थ्री पर वो था मैचोप, और गाइस जो पोकेमोन था नंबर टू पर वो था गैराडोस। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने नंबर फर्स्ट की तरफ। तो गाइस जो पोकेमोन आता है हमारा नंबर वन पर वो है स्टार्टर, और वैसे हाँ यार सच में वो हमारे स्टार्टर्स ही हैं, बात ये है कि तुम किसे चुनते हो वही तुम्हारी आगे चलकर मदद करता है, जैसे चार्मेंडर हो गया, स्क्वार्टल और बल्बसोर। तो गाइस इनके ट्वाइपिंग के हिसाब से ये पोकेमोन होते हैं जो कि गाइस बाकी सभी पोकेमोन से अलग होते हैं, और गाइस काफ़ी पावरफुल भी होते हैं ये। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सूडो सेमी सूडो और लेजेंडरी पोकेमोन से पावरफुल हैं, लेकिन गाइस हाँ ये इनके बराबर से नीचे हैं, लेकिन गाइस हाँ ये पावरफुल भी हैं जो कि हमारे काफ़ी जिम में भी मदद करते हैं, और गाइस आगे चलकर ये सूडो और सेमी सूडो की टक्कर भी ले ही लेते हैं, लेकिन गाइस इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन गाइस हाँ ये पावरफुल तो होते ही हैं क्योंकि गाइस ये काफ़ी जिम में हमारी मदद भी करते हैं, और गाइस हम सबसे ज़्यादा इन्हीं पोकेमोन को ट्रेन करते हैं क्योंकि हमारे स्टार्टर होते हैं। तो गाइस इसी वजह से मैंने अपने स्टार्टर्स को रखा है नंबर वन पर। और गाइस तुम लोगों को बताना चाहिए कि मुझे कि यार मैं किसे रखता नंबर वन पर, और गाइस सच में बताओ यार मुझे जो है किस पोकेमोन को नंबर वन पर रखना चाहिए था। तो गाइस अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, और गाइस अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, और गाइस हाँ वीडियो को लाइक कर देना, और जो जो सब बोलते हैं ना वो कर देना क्योंकि नहीं है ऐसे मैं सच में नहीं बोलता। तो गाइस बाय बाय, मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।